वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, CSF जो है वो बनता किन किन चीज़ों से, उसके पार्ट कौन से उनके बारे में क्या अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो किन क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में क्या है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होती है। क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनिन होता है और यूरिया होता है और ल्यूकोसाइट होता है। जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, फ्लो दिखाया गया है किसका, CSF का, कि जो अपना CSF है वो कैसे फ्लो करता है। जो एरो है वो क्या क्या है ये शो कर रहे हैं कि कैसे वो फ्लो कर रहा है। तो लेटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, लेटरल वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे है, थर्ड वेंट्रिकल के पास है, सेरेब्रल एडिक्यूट के पास है, उस देन आफ्टर क्या है, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल से एंटर होते हुए फोर्थ वेंट्रिकल के पास आ रहा है। तो ये क्या है, फ्लो है। देन आफ्टर है फंक्शन ऑफ द CSF। तो फंक्शन क्या है CSF के, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है CSF, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और उसको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा इसका, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन आफ्टर मेंटेनेंस ए यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड दीज स्ट्रक्चर। जो प्रेशर है उसको क्या है, मेंटेन रखता है। इट एक्ट एज ए क्यूजन एंड शोक अब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड क्रेनियल बोन। शोक अब्जॉर्बर का क्या है, काम करता है किस किस के बीच में, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन और ब्रेन के बीच में।
नेक्स्ट क्या है, इट कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्ट एंड मे बी इंटरचेंजेज ऑफ सबस्टांस बिटवीन CSF एंड नर्व सेल्स सच एज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करता है, इट कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्ट मोस्ट प्रदान करता है एंड देयर मे बी इंटरचेंज ऑफ सबस्टांस। यहाँ पे क्या है, सबस्टांस इंटरचेंज होते हैं बिटवीन CSF एंड नर्व सेल, कहाँ कहाँ पे CSF और नर्व सेल के पास, जैसे कि सच है जैसे न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट न्यूट्रिएंट्स तो क्या है, रिसीव कर लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो फंक्शन क्या 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 है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल, जो CSF है जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सबसे पहला फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड क्या है, मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर एंड अराउंड दीज स्ट्रक्चर। थर्ड है, इट एक्ट एज ए क्यूजन एंड शॉक अब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड क्रैनियल बोन। शॉक अब्जॉर्बर काम करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मॉइस्ट प्रदान करता है। मॉइस्ट प्रदान करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंटरचेंज होते हैं। देन आफ्टर क्या है अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट। एंड लाइज बिटवीन द क्रैनियल कैविटी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रैनियल कैविटी के अंदर क्या है, ब्रेन प्रेजेंट होती है। टोटल जो अपना बॉडी वेट है उसका 1/5 क्या है, ब्रेन का पार्ट होता है। इसके पार्ट क्या क्या हैं, सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा है और सेरिबेलम है। तो जो ब्रेन है, ब्रेन के सब डिवाइडेशन जो पार्ट हैं वो कौन से हैं, सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा है और सेरिबेलम है। ये क्या है, 5 इसके पार्ट हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन अपने जो टोटल बॉडी वेट है उसका 1/5 भाग जो है वो क्या, ब्रेन का रहता है, ठीक है, बॉडी वेट का। और जो कहाँ पे रहती है, लाइज पोजीशन कहाँ पे इसकी, क्रैनियल कैविटी के अंदर क्या है ये सिचुएटेड रहती है। इसके 5 पार्ट हैं, सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरिबेलम है। जो नेक्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, पार्ट शो किए गए हैं, सेरिब्रम दिखाया गया है, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेरिब्रम है, ये जो है मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा है, सेरिबेलम है, ठीक है, ये क्या है अपने पांचों के पांचों पार्ट दिखाए गए हैं और ये जो कनेक्शन कैसे हो रहा है इसका स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो दिखाया गया है। तो ये जो यहाँ से लेके जो ये पार्ट दिखाया गया है, ठीक है,
ब्राउन ब्राउन पार्ट जो है वो क्या है, फोरब्रेन या सेरिब्रम दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट दिखाया गया है क्या, मिड ब्रेन दिखाया गया है। देन आफ्टर अपने को पॉन्स शो किया गया है। देन आफ्टर ये जो पार्ट है ये अपना मेडुला ऑब्लिगेटा दिखाया गया है, और ये जो ब्लूइश ब्लूइश जो पार्ट दिखाया गया है ये किसका दिखाया गया है, सेरिब्रम का दिखाया गया है, सॉरी बेलम का दिखाया गया है। देन आफ्टर अपना आता है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्लड सप्लाई कैसे होती है ब्रेन की, द सर्कुलस आर्टरियोल्स एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू द ब्रेन। जो सर्कुलस आर्टरी है वो और उसकी जो सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, उसकी जो मिलने वाली जो ब्रांचेज हैं उसकी जो सब ब्रांचेज हैं वो क्या करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसके अंदर, मेंटेन क्या करती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो सप्लाई है वो उसको प्रॉपर भेजने में किसका मेन रोल रहता है, सर्कुलस आर्टरियल्स के। व्हेन ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी इज नैरो और हेड इज मूव्ड द ब्रेन रिसीव अबाउट 15% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, अप्रोक्सीमेटली 750 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। जब कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी है वो क्या है, नैरो हो जाती है उसका हेड, ठीक है, और वो मूव करती है तो ब्रेन क्या है, रिसीव करती है कितना, 15% टोटल जो अपना कार्डियक आउटपुट है उसका 15% क्या है वो पर मिनट रिसीव करती है। ऑटो रेगुलेशन की ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कंसर्न बाई ए एडजस्टिंग द डायमीटर ऑफ द आर्टरियोल्स अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ आर्टरियल ब्लड प्रेशर अबाउट 65 to 140 mmHg विद चेंजेज अकरिंग ओनली आउटसाइड दिस लिमिट। तो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, जो सर्कुलस आर्टरियोल्स हैं वो और इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी जो हैं वो क्या करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई करने में। और जैसे ही ब्लड की सप्लाई होती है तो ब्लड की सप्लाई के साथ क्या क्या चीज़ सप्लाई होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज वो है क्या है, रेगुलर सप्लाई होती है। व्हेन ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी इज नैरो और हेड इज मूव द ब्रेन रिसीव अबाउट 15% ऑफ कार्डिक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली। जब कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी जो है, जो आपकी सर्कुलस आर्टरी है उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी है वो नैरो होती है और जो उसका हेड जो है वो मूव होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन जो है वो रिसीव करती है कितना, 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो आपका कार्डियक आउटपुट है उसका कितना, 15% जो है वो रिसीव करती है, जो कितना होता है लगभग 750 ml क्या है होता है, 750 ml क्या है होता है पर मिनट क्या है ये रिसीव करती है। ऑटो रेगुलेशन की ब्लड फ्लो द ब्रेन कंसर्नड बाई एडजस्टिंग द डायमीटर ऑफ द आर्टरियोल्स अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ आर्टरियल ब्लड प्रेशर। तो आर्टरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है यहाँ पे, 65 से लेके 140 mmHg तक क्या है यहाँ पे आर्टरियल प्रेशर होता है, विद चेंजेज अकर ओनली आउटसाइड दीज लिमिट।
नेक्स्ट है अपना जो ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। जो सेरेब्रम है वो क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्यूपाई द इंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर में। कहाँ पे, एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा में क्या है ये प्रेजेंट रहता है। इट इज़ डिवाइडेड बाय ए डीप क्लेफ्ट। किसके द्वारा डिवाइड होता है, डीप क्लेफ्ट के द्वारा क्या है ये डिवाइड होता है, द लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर ईच कंसिस्ट वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। दोनों सब प्रत्येक क्या बनाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स बनाते हैं। डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाई ए मास ऑफ वाइट मैटर। जो हेमिस्फेयर हैं वो किससे कनेक्टेड, किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, वाइट मैटर के साथ क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। जो क्या है, नर्व फाइबर होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोजम अपन बोलते हैं। तो जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। कहाँ पे ऑक्यूपाइज रहता है, ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। इट इज डिवाइडेड बाय ए डीप क्लेफ्ट, द लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कंटेनिंग वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। प्रत्येक क्या है, कंटेनिंग ए वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए मास ऑफ वाइट मैटर नर्व फाइबर्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोजम। द फ्लेक्स सेरेब्री इज फॉर्म बाय द ड्यूरा मैटर। जो फ्लेक्स सेरेब्री जो है वो किससे बनती है, ड्यूरा मैटर से। इट सेपरेट द टू हेमिस्फीयर एंड पेनिट्रेट द डीप ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। द सुपरफिशियल पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस सेल बॉडीज। जो आपका पेरिफेरल पार्ट है वो किससे बनता है, पेरिफेरल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस सेल बॉडीज और ग्रे मैटर फॉर्मिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो ग्रे मैटर है वो क्या बनाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द डीपर लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर ऑफ वाइट मैटर। तो अगर अपन की इसकी सुपरफिशियल और पेरिफेरल की बात करें तो पेरिफेरल पार्ट जो वो किससे बनता है, पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज। जो नर्व सेल बॉडीज है उनसे कंसिस्ट होता है,
और ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर है वो किससे फॉर्मिंग होता है, द सेरिब्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। और जो डीपर लेयर है वो किससे बनती है, नर्व फाइबर और आपकी जो व्हाइट मैटर से। हाँ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स शो मैनी इनफोल्डिंग्स ऑफ फॉलोज ऑफ वेरिंग डेप्थ। द एक्सपोज एरिया ऑफ द फोल्ड आर ग्रे और कॉन्वोल्यूशन एंड दीज आर सेपरेट बाई फीसर्स। इसके द्वारा सेपरेट होता है, फीसर्स के द्वारा क्या है ये सेपरेट होता है। दीज कॉन्वोल्यूशन ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम। जो कॉन्वोल्यूशन जो है वो क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज ईच हेमिस्फेयर ऑफ द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इन टू लोब। जो डिस्क्रिप्टिव पर्पज का मतलब क्या है, आगे की स्टडी के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, जो प्रत्येक हेमिस्फेयर है उसको क्या है, सेरेब्रम का जो उसको डिवाइड किया गया है किसके अंदर, लोब्स के अंदर, विच टेक द नेम्स ऑफ द बोन्स ऑफ द क्रेनियल क्रेनियम अंडर विच दे। इनका जो नेम है वो उनकी जो बोन्स जो है क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है उन्हीं के आधार पर क्या है इनका नेम निकाला गया है। कौन से हैं, फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है और ऑक्सीपिटल है, तो चार हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से अपन ने इनको जो डिवाइडेशन है उसके अंदर क्या क्या है अपने, फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है और ऑक्सीपिटल है, ये चार क्या है इसके लोब है। द बाउंड्रीज ऑफ द लोब आर मार्क बाई डी फिशर। जो बाउंड्रीज जो हैं उनको किसके द्वारा मार्क करते हैं, इनकी फिशर्स के द्वारा। दीज आर द सेंट्रल लेटरल एंड पेराइटो ऑक्सीपिटल फिशर्स। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना वो किस पे होगा, इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम। जो अपना इंटीरियर है सेरेब्रम का उस पर अपना क्या है नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक्स टू ऑल।